वहां इनसे कुछ नहीं होता क्योंकि उनके टुकड़ों पे पलते हैं या उनके आईएसआई के टुकड़ों पे बनते हैं। दाढ़ी लंबी पगड़ी ऊपर, वाह हमारे से बड़ा तो कोई सरदार ही नहीं। खालिस 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 पाकिस्तान के टुकड़ों पे बनने वाले खालिस, और आपके गुरु का अपमानित हो जाए, उसके स्टैचू के टुकड़े हो जाएं, जबान बंद। जितनी देर तक सिख समाज के अंदर हमारी तरह लोग नहीं निकलेंगे यह मसला हल नहीं होगा। अगर पंजाब में गंदी पॉलिटिक्स करेंगे, ऐसे बेरूपीय लोगों को देख करके, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों के संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गरदारों से। आज अगर हमें खतरा नजर आ रहा है, हम ऐसे गरदारों से खतरा नजर आ रहा है जो हिंदुस्तान में बैठे। जो गाड़ी बरामद हुई थी मौके से, उसमें आपका भी नाम था, पोस्टर मिला, भारती सिंह का पोस्टर था उसमें, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या पंजाब एक बार फिर से 80 के दौर में लौट रहा है? को मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ता हूं, हम भगवान के इंसान तो हैं, भेजे हुए सब, जो मेरी जिंदगी का अनुभव है, हमारी जमीरें, हमारी अणखें, जमीर अणख, और जो पुराने टाइम पे एक अखलाक होते थे इंसान के, वो खत्म हो गए। हमें जो महसूस करता हूं, हमें किसी को मौत दिखाई नहीं देती कि आज है कल नहीं है। आंख झपकते हुए ही कई बार इंसान चले जाता है, सोते सोते उठता ही नहीं। ये कमी कोई हिंदुस्तान की, पंजाब की नहीं, पूरी दुनिया में ये कमी है कि मानवता मर गई हमारे अंदर, जमीरें मर गई। जिस पंजाब के अंदर 36,000, फिर कहूं 36,000 बेगुनाहों का गंदी राजनीति की गलतियों से, चौधर की भूख के कारण, कुर्सी सत्ता की भूख के कारण, चाहे वो धर्म की ठेकेदारी की चौधरदारी हो, चाहे राजनीतिक ठेकेदारी हो, कि इसको कमजोरगे तो वो आगे बढ़ेगा, वो सीएम बनेगा, इसको मारोगे तो वो बनेगा, वो करते करते 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ। उसमें से 19,000 मेरे हिंदू भाई, जो रोटी बेटी 9 माह का रिश्ता था, उनको शहीद कर दिया गया। घरों से निकला कोई रोटी कमाने के लिए, मां के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, हिंदू था इसलिए ट्रेनों से, बसों से निकाल करके उसको गोलियों का निशाना बना दिया। 36,000 अस्सी के दशक की बात कर रहे हैं, मिलिटेंसी के दौर की बात। रोटी बेटी 9 माह का रिश्ता, हिंदू सिख कहना ही मैं अलग है, हम तो एक हैं। मैं तो ये मानता हूँ, कोई क्या माने मुझे मालूम नहीं। वो माँ के लिए रोटी कमाने गया, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, उसको शहीद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो हिंदू था। अगर हमारे जैसा सेकुलर सिख था, जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज, गुरु तेग बहादुर महाराज, हिंद की चादर, जो मानवता की रक्षा के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया चांदनी चौक के अंदर, उनकी सोच पे चलते उन पे भी बम चला दिए। 36,000 खून पीने के, लोगों का खून पीने के बाद, हजारों बहनों के सुहाग उजाड़ने के बाद, हजारों बच्चों को यतीम करने के बाद, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम करने के बाद, खून पीने के बाद प्यास नहीं बुझी। अब मुझे एक चीज बताओ, खालिस्तान करते करते 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम कर दिया, क्या खालिस्तान बना? क्या चंडीगढ़ मिला? नहीं। क्या गुरु महाराज की सिक्खी को प्रफुल्लित कर पाए? नहीं, नहीं। जी। इस इंसिडेंट में जो एक अभी चल रहा है पंजाब में, कि अमृतपाल सिंह एक दुबई से आया है, वो उसी राह पे फिर से चल रहा है। किसान आंदोलन के टाइम भी बहुत एक्टिव था, उसके बाद जब से आया है वो हथियारों को, हथियारबंद लोगों के साथ चल रहा है। वो ये कह रहा है, उसको पन्नू जो आतंकी है इंटरनेशनल, उसको बता रहे हैं कि उसको तो एजेंसियों ने आतंकी घोषित कर दिया, वो तो कौम के लिए काम कर रहा है, वो कोई आतंकी नहीं है। आदमी यहाँ से छोड़ के जा गया, उसकी फैमिली वहां दुबई रहती है, वो किसान आंदोलन में एक्टिव रहा, फिर दुबई से यहाँ आके कि मैं कौम को जगा रहा हूँ आजादी के लिए, फिर से वहीं से जहाँ भिंडरा वाला जो गाँव से शुरुआत की उसने।
पहली बात तो मैं ये कहूंगा, आपने कहा आपका नाम था, देखो हमारी मौत से जारी है, हम बिल्कुल जन्म भी देश के लिए दिया है और जब जाना है, मेरा धर्म भारत माँ मेरी जात बंदे मातरम कहते हुए इस दुनिया से चले जाना है, हमारा जीवन बोनस है, हम तो मातृभूमि के चरणों में तैयार रहते हैं, हमें पहले भारतीय है, पहले इस भारत से प्यार है, वो भारत जिस धरती पे गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जन्म लिया, कलगीधर महाराज ने, ये वो भारत जाना जहां गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर चांदनी चौक में औरंगजेब के जुल्मों को सहते हुए मानवता के लिए अपने शीश को, इस राष्ट्र के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए, हम उस भारत के एक एक व्यक्ति है ना, बिल्कुल। इनकी सालों इनकी हिम्मत क्या है, है? क्या मौत क्या होती है, इनको पूछना चाहता हूं, ये मरेंगे जब लोग कहेंगे मरे हैं, हम जब देश से जाएंगे ना, ये चंद लोग खालिस्तानी, ये हमारे में गंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, और पूरा दुनिया में बैठा हुआ सच्चा भारतीय वो जरूर हमें आशीर्वाद देता होगा, वो जरूर दुख मनाएगा, इन चार लोगों से क्या करना है, हम है कितने, हम 2 करोड़, अब 2 करोड़ क्या, दो एमपी का, 3 एमपी का एरिया होगा, कितने एमपी है पूरे हिंदुस्तान में, पूछना चाहता हूँ कितने एमपी है, 2 या 3 है ना, तो हिंदुस्तान दुनिया हमें इज्जत कितनी देती है, हमें कभी सोचा इस हिंदुस्तान का राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह रहे, इस हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर पहले फॉरेन मिनिस्टर सरदार स्वर्ण सिंह और दिलबाग सिंह रहे, इस हिंदुस्तान के आर्मी चीफ जगजीत सिंह अरोड़ा रहे, 71 जंग के हीरो, इस हिंदुस्तान के एयर मार्शल चीफ रहे अर्जन सिंह जी, एयर मार्शल जिनसे पाकिस्तान थर थर कांपता था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह रहे, 10 साल हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे, इस हिंदुस्तान के आर्मी चीफ जे जे सिंह रहे, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ विक्रम सिंह रहे, इस हिंदुस्तान के आर्मी चीफ नेवी चीफ मराठ साहब रहे, और हिंदुस्तान के एयर मार्शल दुनवा साहब रहे जिन्होंने सर्जिकल ऑपरेशन किया, और हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सरदार कुलदीप सिंह रहे, 2% को टीएस खेर साहब भी रहे, नहीं है टीएस खेर साहब भी तो रहे सीजीआई, वो रहे आपके सीबीआई के चीफ जोगिंदर सिंह रहे, 7 साल मनमोहन सिंह रहे, किसी ने ये तो नहीं कहा दुनिया के अंदर कि सिख कौम 2% है, इनको ये क्यों इतना दिया, किसी ने कहा तो नहीं, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम करके सिख कौम आपने बदनाम कर दी पूरी दुनिया में, पर हिंदुस्तान के अंदर किसी व्यक्ति ने आज तक सिख कौम के ऊपर कभी उंगल नहीं उठाई, कहते ये तो हमारे बड़े भाई है, ये तो देश के रक्षक हैं, और ये चंद खालिस्तानी पन्नू जैसे लोग यूके के अंदर बैठे हुए, कनाडा के अंदर बैठे हुए, अमेरिका के अंदर बैठे हुए टेररिस्टों के साथ मिलकर के ये पंजाब में खालिस्तान की बात करते हैं, याद रखिए, हमेशा कहता हूं, हर चैनल पे कहता हूं, वादा हमका, हम वो लोग नहीं है जो कहते कुछ है करते कुछ है, जीवन दिया है देश के लिए, एहसान नहीं किया, खालिस्तान ना कभी बना था ना कभी बनने देंगे, ना कभी बनेगा, ना बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह हमारी जख्मी शरीर से निकल जाएगा या हमारी लाशों से निकल जाएगा, राष्ट्र एक है, राष्ट्र एक रहेगा, और प्रथम राष्ट्र रहेगा उसकी तरफ को आंख उठा करके देखेगा, उसको हम करारा जवाब, हिंदुस्तान देना जानता, हम उसको जवाब देंगे, ये हर मेरा सिख भाई क्यों नहीं बोलता, मेरा सवाल है, जेड हाँ, प्लस सुरक्षा सबको चाहिए, नहीं नहीं जेड प्लस सुरक्षा सबको चाहिए, रुतबा सबको चाहिए, बिल्कुल राजनीति में आगे सबको बढ़ना है, पर बिल्कुल। जब खालिस्तान की बात आएगी या अमृतपाल की बात आएगी हम नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा, ना ना ना, उसका कारण हमने ये खालिस्तानियों के आगे भी बुरा नहीं बनना है, और दिल्ली के नेताओं को भी खुश करना दिल्ली है, के नेता बिल्कुल, दिल्ली के नेताओं को भी खुश करना है और खालिस्तानियों को भी खुश करना है, और दिमाग से चलते चलते सुरक्षा के दायरे में पता नहीं क्या कुछ गड़बड़ कर जाते हैं ये लोग, जब आप देख लीजिए ये मुद्दे के ऊपर गोली चली, मुझे लिस्ट निकाल के बता दी
ये कौन कौन से मेरे सिख भाई ने खुल के विरोध किया, मुझे निकाल के बता दीजिए। और किसी ने विरोध नहीं किया। अब चैनलों नहीं नहीं 5 दिन बाद चैनलों के अंदर देख लेना, कोई और डिस्कशन होगी, पूरा मुझे खड़ी करके रुमाल निकाल के आके आपके सामने खड़े हो। क्या ये मीडिया को बेवकूफ नहीं बनाया जाता? क्या ये हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जाता? या जिन पार्टियों के अंदर चले गए ये लोग, क्या उनको बेवकूफ नहीं बना रहे? हमारे लिए प्रथम रास्ता, मैं भी तो आपके सामने हूँ, मुझे आधी रात बुला लीजिए इस राष्ट्र के लिए, इस आतंकवाद के लिए। बचपन से लेके आज तक इस बोनस की जिंदगी में, उसके आगे तक जितनी देर तक मेरे शरीर का कतरा कतरा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, प्रथम राष्ट्र, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात मध्य मातरम, आखिरी समय में वो मेरा नारा निकलता रहेगा। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट राजनीति नहीं है, मुझे पता आज नहीं तो कल जाना है, जीवन बोनस है। पर ये लोग क्यों ना समझे, हिंदू भाई क्यों बोले? हिंदू भाई बोले तो तू फिरका प्रस्त है, हिंदू भाई बोले तो तू दंगे कराता है, हिंदू भाई बोले तो तू नफरत फैलाता है। पर अमृतपाल ये कहे ईसाइयों को मार देंगे, हिंदुओं को मार देंगे, हिंदू समाज को कहेंगे लाले लूले, यहां से चले जाओ, यहां रहना तो अपनी मर्जी से रहना होगा, हम दिल्ली की सरकार को हिला देंगे, हम दिल्ली की सरकार के खिलाफ जंग करेंगे। किस बात की जंग करोगे भी, बता तो दो ना, क्या नहीं हिंदुस्तान ने दिया? सिख कौम कहां खतरे से है? सिख कौम को अगर खतरा है तो सिख भाइयों से ही खतरा है। सिख कौम को किसी हिंदू से, किसी ईसाई से, किसी मुसलमान से, किसी हिंदुस्तान से, नरेंद्र मोदी से, कांग्रेस से, बीजेपी से, किसी से खतरा कहां है बताइए ना। अब किसान आंदोलन चला, ओके, जो नारे लगे खालिस्तान जिंदाबाद, हमने पहले इंदिरा गांधी मारी फिर मार देंगे हम नरेंद्र मोदी, ओके, कोई बोला तो नहीं, गंदी भाषा का प्रयोग किया। हमारा यार इमरान खान, मोदी तो हमारा दुश्मन है, इस देश का नमक खाना है, इस देश में रहना है तो गाली हिंदुस्तान को देनी है, गीत पाकिस्तान के गाने हैं। और बॉर्डर के जरिए किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं और खड़ा करके तलबानी भी नहीं ऐसे करते, काट काट के मार देते। हमें तो तलबानियों से भी बुरा बना दिया भाई, छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं अपने माँ बाप से कि ये कौन है भाई, क्या बताएंगे कि इन्होंने लोगों को मारा भी। वो कौम जिन्होंने मजलूमों की रक्षा के लिए अपने जीवन को निछावर कर दिया, छोटे छोटे साहबजादों को नियों में चनवा दिया गया, आरों पे चला दिया गया, इस देश के लिए मजलूमों की रक्षा के लिए आज कौम की हालत का क्या कर दी, क्या कर दी कौम की हालत, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। औरंगजेब बिट्टा साहब, मेरा सवाल ये है, मेरी बात सुनिए, हाँ वो चावला जो आतंकी हुआ, दूसरा सवाल मेरा ये है कि अकाल तख्त जैसा पवित्र स्थान, स्वर्ण मंदिर, उसको आप, इसको पहले भिंडरा वाले को वहां रखा, हथियार आए, उसके बाद जो कुछ हुआ सब ने, पूरे देश ने देखा, आप फिर उसी राह पे एक खालिस्तानी आतंकी अमृतपाल सिंह दुबई से आता है, उसको वहां पे पारिस पंजाब थे, उसको बना के मुखी बना के उसको रखा हुआ है वहां पे, वो वहां पे तकरीरें करता है देश के खिलाफ, आतंकी जो है देश को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं, देश का माहौल खराब करने की उनकी तारीफें करता है, कि उनको मंच दिया जाता है वहां पे, इस पवित्र स्थान से मंच दिया जाता है, तो देश में क्या मैसेज जाता है? देखो देखो मेरी बात, पहले तो उस बात पे दोबारा वापस आ पाइएगा, ठीक है, जब से जो गोलियां चली, जब से अमृतपाल का ये गंदा नाच हुआ, सिख समाज का दिल्ली के अंदर जो रोज टीवी में देखते थे, क्या कोई आया उसका पहले मैं आपसे जवाब मांगता हूँ, आया तो मुझे, मैं समझ गया आपका निशाना, बिल्कुल, दो सवाल है, सुरक्षा पूरी लेनी है, सीआरपी कवर लेना है, सीआईए सब कवर लेना है, हम सरदार भी हैं, सरदार हैं इसमें कोई शक नहीं, ठीक है, पर देश को तोड़ने की को बात करेगा, बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, देश को तोड़ने की बात करेगा, खालिस्तान बनाने की बात करेगा, मोदी का सपना है कि मैं ऑक्यूपाई कश्मीर लूं, आप हमारा पंजाब तोड़ रहे और उसके बाद हमारी चुप्पी क्यों? मेरा सवाल है, करोड़ों लोगों करोड़ों बातों में मेरा एक सवाल है, आज वो व्यक्ति घर में कहां बैठे हैं जब तिरंगे झंडे का अपमान हुआ? आप मानते हैं ना इस चीज को, तिरंगा झंडा हमारी शान है? नहीं, मैं बता, तिरंगा झंडा हमारी शान, तिरंगा झंडा हमारी आन, तिरंगा झंडा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना, वो योद्धा नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान का योद्धा नरेंद्र मोदी, अगर सिख कौम ना होती कोई और होता ना,
छक्के छोड़ा देता जितने तिरंगे झंडे की तरफ गहरी निगाह से देखा। यहाँ तो राष्ट्रपति हल्का सा कुछ साहब हो थे, जाता है। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं राष्ट्रपति सामने थे, ठीक है ना, बिल्कुल उनके साथ थे सारे फॉरेन के मिनिस्टर थे, अम्बेसडर थे। बिल्कुल उस व्यक्ति ने, जो आदमी दिवाली के दिनों में, नए साल के दिनों में जवानों के साथ बर्फों पे दिवाली और नया साल मनाता है और चाइना को चैलेंज करता है, पहली गोली लगेगी तो पहले मोदी के सीने पे लगेगी, मेरे जवान पे लगेगी। उसने बर्दाश्त किया लाल किला का वो पहला तिरंगा झंडा जो कभी लाल बहादुर शास्त्री, बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल के सामने लहराया गया। उस तिरंगे झंडे का अपमान उस व्यक्ति ने सहन किया और पुलिस को कहा होगा वहां पे, मेरे सिख भाई है, गुरु महाराज की सिख कौम है, प्लीज इस पे गोली मत चलाना, लाठियां खा लेना, आपको रोले रुल देना, आपको गोली चलाए सीने पे खा लेना, पर मेरे भाई पे गोली मत चलाना, कहा बिल्कुल कहा है बिल्कुल ना। वो दीप संधू, दीप संधू है, उसकी उसी जमानत सबकी सब कुछ हो। मेरी मेरी बात सुनो, हाँ देखो ये दो चीजें हिंदुस्तान में चलेंगी ना, याद रखना हाँ पंजाब बचेगा नहीं। और अब अगर पंजाब गलत रास्ते पे चल गया, जिस मोड़ पे चल गया, याद रखना अब लड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। हमारी जिंदगी क्या है हमें क्या पता, हमें कुछ नहीं पता, बिल्कुल हमें बिल्कुल मौत से जारी, हमें कोई फर्क पता पता नहीं। पर हमें दुख ये होगा, आज हमें देखो पाकिस्तान से कोई डर नहीं लगता, हमें आईएसआई से कोई डर नहीं लगता। इनके कई बार मैंने बॉर्डरों पे जाके 93-94 में 2-2 लाख की भीड़ देखे, जो सामने लोहे का बॉर्डर इनके चने चबा दिया, और पाकिस्तान जब कहता गोली चलाएंगे, अरे मैं कहा तेरी ऐसी की तैसी आईएसआई को, मैं कहा तेरा लोहे का गेट तोड़ के तेरे लाहौर में घुस जाएंगे, तिरंगे झंडे लेके तेरी गोलियां खत्म हो जाएंगी। कच्छ बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर, जम्मू कश्मीर बॉर्डर, गंगानगर बॉर्डर, बगैर वर्दी से, एक वर्दी बगैर वर्दी से, वर्दी क्या बिल्कुल थी, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम तिरंगा सिख ईसाइयों का तिरंगा झंडा, ओके, इनके चढ़े बिल्कुल हमें हाँ तिरंगा, हमें डर बिल्कुल क्या है, हमें डर क्या है, बिट्टा को डर क्या है, बिट्टा को पाकिस्तान से डर नहीं, बिट्टा को खालिस्तानियों से डर नहीं, बिट्टा को कनेडा में बैठे आतंकवादियों से डर नहीं। अरे मरेंगे तो शहीद कहलाएंगे ना, बिल्कुल ये चार लोग हमें कौम का गद्दार कह देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पूरी दुनिया में बैठा हुआ सच्चा भारतीय हमें शहीद जरूर कह देगा, ये दर्जा जरूर दे देगा, ये हमें फक्र है, ये चार लोग गाली देंगे हमें। वो कभी बिल्कुल प्रदीप जी का गाना याद आता है, ऐसे बेरुपिये लोगों को देख करके, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों के संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। आज गदारों अगर से हमें खतरा नजर आ रहा है, हम ऐसे गद्दारों से खतरा नजर आ रहा है जो हिंदुस्तान में बैठे हैं, दाऊद बिल्कुल इब्राहिम बन चुके हैं, उनके ऊपर सरकारों बिल्कुल को नजर रखनी चाहिए, इनके कनेक्शन कहाँ कहाँ है। गोपाल चावड़ा से बिल्कुल व्हाट्सएप के जरिए बात करते हैं। अब दिल्ली अच्छा का एक प्रेसिडेंट था सरदार मनजीत सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, ठीक है, बिल्कुल मैं समझ गया। मैं वो नहीं, वो अमेरिका गया था, याद है, उसके ऊपर नहीं तीन वो हमले मुझे हुए, ठीक पता है ना, घसीट घसीट के उसको मारा हाँ गया, वो बच गया तो कैसे बच गया, पर उसकी प्लानिंग हाँ अमेरिका में गया, टेलीफोन दिल्ली से गया, ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रेसिडेंट आता है, इसको मार दो, ठीक, अगर बिल्कुल फर्ज करो मुझे अगर मारना है किसी ने, देखो कितनी खतरनाक हालात में हम पहुंच हाँ हाँ पहुंचते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अगर मैं मेरा नुकसान करना है, क्योंकि बंदी सिखों को कहते छोड़ दो, मौत के सौदागरों को कहते यही लोग छोड़ दो जिन्होंने छत्तीस हाँ हजार यही इनकी बेगुनाहों पैरवी का करते कत्लेआम हैं किया, बिल्कुल कहते आतंकियों को छोड़ने की नहीं, पैरवी करते हैं ये लोग। बड़ी बड़ी मैं बड़ी बड़ी पार्टियों में जिम्मेदारी लेके कहते मौत के सौदागरों को छोड़ दो जिन्होंने हिंदू सिखों बिल्कुल भाइयों को ट्रेनों में निकाल करके बसे की बसे भर के मार दिया, माओ के लाल इन्होंने मरवा दिए, कहते छोड़ दो, शर्म कहाँ चलेगी, जमीर कहाँ चलेगी, जबान कहाँ चलेगी, जिम्मेदार लोग हैं, सुरक्षा लेते हैं। अब ऐसे लोग कनाडा में अमेरिका में कह दे, अब मेरे ऊपर जो पहला पहले हमला हुआ था दिल्ली में, कनाडा से प्लानिंग बनी, कल को कह दे जी नुकसान कर दो, तो यहां बिल्कुल नुकसान कर दे, मतलब हिंदुस्तान की धरती को बना रखा है, जिस धरती को नरेंद्र मोदी ने मजबूत किया, जिस धरती के सीमाओं को सुरक्षित किया, जिस जवानों को सुरक्षित किया, और नरेंद्र मोदी कहता पहली गोली चलेगी, पहले मेरा सीना पार करेगी फिर उधर चलेगी, तो हम क्या करतूते कर रहे हैं, इधर रुमाल, इधर बिल्कुल जैकेट, और इधर बिल्कुल राष्ट्रभक्त, और उधर दीप संधू की जमानत, दीप उधर संदूक किसान जमानत आंदोलन में खालिस्तानियों की हमें,
मेरी बात सुनो, और हाँ, इधर मैं से दिल्ली समझ गया। गुरुद्वारा प्रबंधक, नहीं दोबारा फिर कहूं, छोटी सी बात हाँ नहीं है, हाँ दिल्ली हाँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रेसिडेंट जाता है, उसके ऊपर अमेरिका में हमला, अब उधर से कह के इधर हमला करा दो, इधर से कह के उधर करा दो, और उधर गोपाल चावला का एजेंट जो रोज AK-47 लेके कहता है हम नरेंद्र मोदी को मार देंगे, हम खालिस्तान बनाएंगे, और सूरी पे हमला होता है, कहते जी कमाल है, बहुत कमाल कर दी, और हमारी जमाने कहाँ है मुझे बताओ ना, हम सेफ कहाँ है। तो कभी प्रदीप जी की बात तो बिल्कुल ठीक हुई ना। अच्छा इस बिल्कुल भारत में पीठ पे छुरा तो ना मारो, हमने कोई किसी को मारा है क्या? हमने एक काम किया, भाई सिख कौम को बदनाम मत करो, मानवता की रक्षा बिल्कुल के लिए सिख कौम सजाई गई, आप बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, सिख का 9 मास का रिश्ता है, ये हमने काम किया। जब जख्मी होते थे लोग बसों से निकाल के मारते थे, जख्मी होते थे, और मैं खून की लाइन लगा देता था बोतलें भर भर के कि जख्मी को बचाना है, मैंने तो गुरु की सोच पे ऊपर आके खून दे दा करके 100-100 बार, मेरे दोस्तों ने हजारों खून की बोतलें इकट्ठी करते थे, देते भी मैंने क्या गलत काम किया मुझे बताओ, इसलिए मेरे से नफरत करते हो कि मैंने मानवता को बचाया। गुरु गोविंद सिंह जी की फौज के अंदर एक उनके सेवक होते थे, उनका नाम था भाई गनैया जी, इतिहास पढ़ लेना, वो दुश्मनों को मुगलों को जो जख्मी करते थे, जो उनको जख्मी करते थे, सिख समाज को उनको पानी पिलाते थे, उनकी मलम पट्टी करते थे। गुरु साहबान को शिकायत होती है कि हम इनको मारते हैं, जख्मी करते हैं, ये पट्टी करते हैं, वो फिर उठ जाते हैं, वो कहते हैं, उनको सवाल पूछा जाता है उनके सेवक को, गुरु गोविंद सिंह जी सवाल पूछते, कहते मुझे तो हर दुश्मन के अंदर भी गुरु गोविंद सिंह का रूप नजर आता है, ये थी मानवता सिख कौम की, और इन्होंने मानवता मार दी, इन्होंने मानवता के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और 36,000 बेगुनाहों का खून पीने के बाद अभी भी खून के प्यासे हैं ये। हम तलवानियों से गंदे हो गए क्या? हम तलवानियों से बुरे हो गए क्या? औरंगजेब के टाइम पे सुना करते थे वो रोटी कब खाता था, तब खाता था जब हिंदू समाज की पूरे जनाई के अंदर पूरी उनके शरीर के टुकड़े आ जाते थे, फिर वो रोटी खाता था। हम ऐसे हो गए क्या? हम औरंगजेब बन गए क्या? आपको क्या खतरा है बताइए मुझे, आरएसएस से क्या खतरा बताइए, आपको क्या नफरत है हिंदू समाज से, आपको क्या नफरत है ईसाई समाज से? अगर ईसाई समाज से नफरत है तो आपका जो प्रचार है, आपका सिख कौम का प्रचार नहीं, लोग जा रहे हैं, तो मैं हजारों मंदिरों में जाता हूं, ये मंदिरों में क्या जाता है, क्या गुरुद्वारा साहब के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्या रोज नमस्तक नहीं करता? मेरा सवाल आपसे, करता है ना नमस्तक? बिल्कुल करता ये है, गुरुद्वारा बिल्कुल साहब से करता बड़े हो गए नहीं करता, तो ये गुरु गुरु साहबान से बड़े हो गए या क्या? चोला पहन लिया, सब कुछ कर लिया, तो क्या हम इनको मान लें? हम नहीं मानते, हम तो गुरु महाराज साहब को मानते हैं, हम तो हरमंदर साहब को मानते हैं, ये कौन है भाई बताइए, कौन है? हरमंदर साहब का अपमान क्यों हुआ? कौन था जिम्मेदार? जिम्मेदार ये यही लोग लोग थे, यही लोग थे। नहीं, क्यों क्यों कांग्रेस के अड़के में चढ़े जे? क्यों राजनीतिक लोगों के अड़के में चढ़े, मेरा सवाल है, क्यों चढ़े? राजनीतिक लोगों के चक्रों में क्यों फंसे? बर्बाद कर दिया, गुरुद्वारा साहब का भी अपमान हो गया, कुछ हो बेटा गया। साहब, जी सवाल तो मेरा यही है कि जो पहले हुआ उसी राह पे फिर चले हैं, कि उसी हरमिंदर साहब को ये इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी के लिए उसी जगह को फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, वहीं से कह रहे दोबारा फिर से मूवमेंट शुरू करेंगे। देखो मैं आपको फिर कह दूं, मेरा मेरा जवाब फिर वही था भाई, जितनी देर तक सिख समाज के अंदर हमारी तरह लोग नहीं निकलेंगे यह मसला हल नहीं होगा। अगर पंजाब में गंदी पॉलिटिक्स करेंगे, उसको नीचा दिखा, उसको नीचा दिखा, उसको नीचा ऊंचा दिखाते दिखाते, जो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ, जो ज्ञानी जैल सिंह दरबारा सिंह की गलतियों से हुआ, जो चौधरी की भूख में हुआ, ये पंजाब का आम आदमी फिर लुट जाएगा, पहले भी लुट गया, फिर लुट जाएगा, और इसके जिम्मेदार हम, इसके जिम्मेदार हम थे, इसके जिम्मेदार हम रहेंगे। मैं फिर कहूं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो देश का दुश्मन है उसके खिलाफ हमें चलना चाहिए, उसके खिलाफ कोई चलने को तैयार नहीं है, वो राजनीतिक एंगल से बोलता है, मुद्दों को छोड़ देता है। मेरा बार बार आपसे एक सवाल है, तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, कौन मेरे सिख समाज की तरफ से आगे आया, मुझे एक वीडियो दिखा दीजिए, भेज दीजिए, लाल किला में जो अपमान हुआ, ये तिरंगा झंडा सिख का भी था, हिंदू का भी था, मुसलमान का भी था, ईसाई का भी था, इस तिरंगे झंडे का अपमान गलत हुआ, हमारी कौम पे दाग लगाया, मुझे एक वीडियो बता दीजिए अभी कि फलाने ने बोला। तो अब जो पंजाब लेकिन में बेटा अमृतपाल बोल रहा है,
बिट्टा साहब वही अमृतपाल, उसका अमरत... तो महिमा मंडन हो रहा है अमृतपाल, उसी का महिमा मंडन कर रहा है कि हमारा वहां पर झंडा झुला दिया हमने वहां नहीं, मेरी नहीं लड़ा दिया तो अब ये नेता कहाँ चुप है सिख कौम के, बताइए। सबको चाहिए जितने भी गुरुद्वारा साहब है, चाहे महाराष्ट्र नहीं, चाहे राजस्थान, चाहे महाराष्ट्र, चाहे कहीं और गुरुद्वारे, सब सब इकट्ठे होके कहें ये लोग हमारे दुश्मन है, ये लोगों के कारण 84 के दंगे हुए, ये लोग हमारी कौम को बदनाम करना चाहते, हम खुशहाल हैं, हिंदुस्तान हमारा है, ये वहां बैठ के विरोध करे, विरोध क्यों ना करे कोई हिंदू बोले तो फिर का प्रत तो तू नफरत फैलाता है, सिख भाई को सामने ना आए, सरकार कुछ कार्रवाई करे, सरकार ने जुल्म कर दिए, सरकार तो हमारे पे जुल्म करती है तो फिर देश कहां से बचाओगे, मेरी बात सुनो। और चंद लोग तरफा चलने, एक तरफ खालिस्तानियों को सपोर्ट करते, एक तरफ बड़ी बड़ी सरकारों को खुश कर देते। मैं आपको मैं एक एफिडेविट लिख रहा हूं, मैं बताऊं वसीयत होती, मैं लिख रहा हूं, मैं जीते जीते कुछ नहीं बोलूंगा, अगर मेरी कहीं मौत हुई रिकॉर्ड में रखना, मौत का मुझे खौफ नहीं, अगर मेरे पे नुकसान हुआ, मैं जो लिख के जा रहा हूं पूरी कहानी अपनी जिंदगी की, मेरी मौत का जिम्मेदार कौन होगा, ना खालिस्तानी होगा, ना पाकिस्तान आईएस होगी, हिंदुस्तान के अंदर कोई व्यक्ति होगा जो दो तरफा चलता है, वो इशारा करेगा कनाडा में, वो इशारा करेगा पाकिस्तान में, चावला को बिट्टा का नुकसान कर दो, वो कर देंगे, मैं लिख के जाऊंगा, कोई जिम्मेदारी हो, किसी एजेंसी से इंक्वायरी ना हो, मौजूदा जज उनकी इंक्वायरी करे, सबूत छोड़ के जाऊंगा ऐसे लोगों के। को आपने धर्मशाला समझ लिया, कहां आतंकवाद इतना बड़ा था हिंदुस्तान के अंदर पिछले 7 साल के अंदर, मुझे बताओ, कोई दिवाली में घटना हुई, कोई 26/11 की घटना हुई, कोई जयपुर के अंदर 120 लोग शहीद हुए, क्या कोई बड़ा हमला पूरे हिंदुस्तान में हुआ, मेरा आपसे सवाल है, कश्मीर के अंदर आतंकवाद समाप्त हुआ, कोई बड़ा हमला किसने किया, नरेंद्र मोदी ने किया, नरेंद्र मोदी जी तो अपने कर्म पूरे करें, अमित शाह तो अपने कर्म पूरे करें, जवानों की रोज डेड बॉडी आती थी आज हर गांव में, मुझे बताओ कोई जवान शहीद हुआ, हाँ एक आधा आदमी कोई निकलता है अकेला, जम्मू कश्मीर में गोली लगी पर जवान के ऊपर कोई फायरिंग करने की पुलवामा के बाद हिम्मत नहीं है, ये आज का हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए हम रात दिन लगे रहते कि ये नरेंद्र मोदी ने किया, ये अमित शाह ने किया, ये उस उन योद्धों ने किया, ये सरदार पटेल का सपना पूरा किया, और बीच में घुस करके पीठ पे उनके कामों पे अगर छुरियां मारे कोई, वो देश के साथ धोखा है, वो देश के साथ धोखा। आप कभी ऐसे लोगों को बुला के इंटरव्यू ले लो, उनको पूछो आप कितने मंदिरों में गए, पूछो, कभी नहीं आएंगे, आप पहले तिरंगे झंडे कभी नहीं आए, नहीं पूछो ना, वो तिलक नहीं लगाएंगे जनाब, तो मेरे से पूछो तू कितने मंदिरों में गया, मुझे भगवान ने कितने मंदिरों में चरणों में लगाया, बड़े बड़े लोग नहीं गए होंगे, तमिलनाडु कर्नाटक इतिहास 60,000 साल पुराना 60 इन मंदिरों के भगवान के चरणों में, भगवान में चरणों लगाए, जब दिल से जाता हूं, मुझे को परवाह किसी की, इनको पूछो आप कितने मंदिरों में गए, बातें बड़ी बड़ी कर रही, वाह रुमाल निकाल के पूरा किट मिट, अरे कितने लोगों को धोखा दोगे आप, दो लोगों को धोखा दे दो, पॉलिटिकल पार्टियों को धोखा दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर भारत माँ के साथ तिरंगे झंडे के साथ धोखा मत करो, मत करो तिरंगे झंडे का अपमान, मत करो इस भारत माँ से धोखा, जिस भारत को नरेंद्र मोदी ने अपने खून से सजाया है, अपने जवानों को मजबूत किया, उसके साथ अपमानित मत करो, ये मैं कहना चाहता हूं। तखत साहब पवित्र स्थान है दुनिया में, शायद पहले यही सिखों के लिए इससे बड़ा कोई पवित्र स्थान नहीं होगा, उसको आतंकवाद के लिए इस तरह के ISIS के एजेंट, ISI के एजेंट हो गए, पाकिस्तान के एजेंट हो गए, उन लोगों को मंच देना वहां को, उस पवित्र स्थान का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ, मैं जवाब दूं, मैं जवाब दूं, अब लोग सबको बुरी बात, मैं बोलूंगा सच, गुरुद्वारा साहब जो है ना हरमंदिर साहब, हमारे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज थे, वंद का किला, गुरु महाराज साहब ने ऐलान किया था कोई भी जंग होगी हरमंदिर साहब किला नहीं बनाया जाएगा, हम जंग वहां पे लड़ेंगे अमृतसर की धरती पे हरगोबिंद के किले पे, इन्होंने गुरुद्वारा साहब को किला बना दिया,
हथियार लेके अंदर चले गए, रोज बेगुनाह लोगों को मारना, दिल्ली के अंदर, बॉम्बे के अंदर, राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर, गले में पर्चियां निकाल लिया, लोगों का बहनों के सुहाग उजाड़ने, बच्चे यतीम करने, और हरमंदर साहब में चले जाना। सरकार जाएगी नहीं, सरकार कहती थी कत्लेआम करो, सरकार कहती थी हथियार लेके जाओ, सरकार कौम को बदनाम करना चाहती थी, सरकार चाहती थी जब पूरी कौम बदनाम हो जाए फिर हम हमला करें और उसके बाद हम पूरे दुनिया, पूरे हिंदुस्तान की सिप्टी लेके दुनिया की हम इलेक्शन जीतेंगे, ये मुद्दा था, को बताएगा ही। फर्ज करो अगर भिंडरांवाले की जगह पे मैं होता, सवाल करता, अगर मेरा गुरु महाराज के चरणों में प्यार होता, अगर तोप और बंदूकें बाहर खड़ी हो जाती और ऐलान होता बाहर आ जाओ नहीं तो गोली चलाएंगे, अगर मैं गुरु महाराज का सच्चा सिख, अगर हरमंदर साहब से प्यार करता तो मैं कहता जी मैं तो आया बाहर, मेरे शरीर पे इतनी गोलियां चला देना मेरे शरीर की एक कंकर एक नस भी ना बचे, पर मेरा पवित्र गुरु रामदास जी अमरदास जी जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नमस्तक करता है, सिर झुकाता है, उसको एक कंकर भी ना लगे, उसका अपमान ना होते, मैं कभी किला और ढाल ना बनाता। हम बाहर भी नहीं निकले, गुरुद्वारा साहब का अपमानित कर दिया, अकाल तख्त ढेरी कर दिया, हमारे गुरु साहब ने साहबान का सजाया हुआ खुद भी चले गए, और वहां जो सरदारू थे मत्था देखने आए जाओ जिनके हाथ में बंदूक नहीं थी उनको भी मरवा दिया, और उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस ने इलेक्शन डिक्लेयर कर दी, कितनी सीटों से कांग्रेस जीत की, कांग्रेस का मसला हल हो गया। इधर पाड़ो राज करो, और एक होते थे जनरल सुबेर सिंह, नाम सुना होगा, जिसने किले के अंदर बंकर बनाए थे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है हाँ। अब उसको उसको आर्मी चीफ नहीं बनाया, वो कारण होगा, अब आर्मी चीफ हाँ। तो जगजीत सिंह अरोड़ा भी बने, सुनो आर्मी चीफ तो जेजे सिंह भी बने, आर्मी चीफ तो विक्रम सिंह भी बने, कई बने, धनोआ धनोआ एयर मार्शल बने, कोई इस बात का को वैर विरोध, तो मनमोहन सिंह 10 साल रहे, अब उनको खुंदक अपनी थी कि मुझे आर्मी चीफ नहीं बनाया, उन्होंने गुरुद्वारा साहब और हरमंदर साहब को ही किला बना करके अपनी खुंदक निकालने के लिए कि मुझे सरकार ने आर्मी चीफ नहीं बनाया, बंकर बना के ट्रेनिंग देके वहां सरकार से जंग शुरू कर दी। बताओ मेरे मेरे मुझे समझ नहीं आती, बताओ इन इन जिम्मेदार लोगों को बताओ कि वो भी किला बना के चले गए, भिंडरांवाला भी किला बना गया, हरमंदर साहब ढह ढेरी कर दिया, और हम अब हम संत बन गए, वाह भाई वाह, सवाल है आपसे। वो तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि हमने हिंदुओं को मारा होगा, कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है ना जी? वो तो कहता है हमको मारा, हिंदू वाली बात तो वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है ना कि हमने हिंदुओं को मारा, वो तो तैयार ही नहीं है, वो तो खुद ही कह रहे हम विक्टिम है। थोड़ी तो उनसे दिमाग लगाने की जरूरत की। नहीं नहीं जिन लोगों ने 36,000 खून बहाने के बाद भी कहते हमने मारा नहीं, तो हमें आपस में बहस करने की जरूरत क्या, वो अपना रिकॉर्ड निकाल के बता दो। जो लोग अमृतपाल कहता है हिंदुओं को लाले लूले, हिंदू भाइयों को लाले लूले, क्या क्या वो इंसान नहीं है क्या? क्या छत्रपति जी महाराज जी हिंदू नहीं थे क्या? क्या महाराणा प्रताप हिंदू नहीं थे क्या? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या फौज के इतनी बड़ी बड़ी जंग लड़ी योद्धों ने हिंदू ने, वो हिंदू नहीं थे क्या? क्या हिंदू का खून सिख का खून अलग अलग है क्या? हिंदू हर हिंदू मां कहती थी, आज से कई साल पहले मेरे घर का एक बच्चा सरदार बनेगा, आज कौन मां बनाती, कहते मैं नहीं बनाती, जब से सिद्धू बॉर्डर के ऊपर इन्होंने लोगों को कतरेआम कर मैं नहीं बनाती, तो सिख को कमजोर किसने किया? हिंदू भाई ने किया सिख कौम को कमजोर? ये चंद खालिस्तानियों ने क्या, देश के तोड़ने वालों ने कहा, पाकिस्तान के एजेंटों ने कहा, पाकिस्तान के जो ISI उनके टुकड़ों पे पलने वाले ने कहा। अब मुझे एक चीज बताओ, ये कहते हम बहुत बड़े योद्धे, यही कहते ना बेकसूर आदमी को मार के, कहते हम बड़े योद्धे हैं ना, जब महाराज रणजीत सिंह के स्टैचू के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए पाकिस्तान के अंदर, कहां थे ये कल की बात है। अभी पंजा साहब ननकाना साहब में जूते लेके सिगरेट लेके सिर पे कपड़ा नहीं शूटिंग करने चले गए, उस वक्त कहां थे ये? जब ग्रंथी साहब की बेटी को किडनैप कर दिया गया, उसका धर्म परिवर्तन जगह जगह पे हिंदू सिखों भाइयों को कर दिया गया, कहां थे ये? कहां थे ये योद्धे? कहां थे ये बबर खालसा? कहां थे ये गोपाल चावला? मैं पूछना चाहता हूं। और तुम्हारे गुरु का अपमान हो गया, तुम्हारा वो योद्धा जिसका काबुल कंधार तक राज था उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जब काबुल कंधार में गुरु ग्रंथ साहब विराजमान वहां पे गोलियां चला दी, कहां थे आप? जो गोलियां वहां चलाते ना, जहां चलाते हो
हिंदुस्तान ही मिला गोली चलाने को, खालिस्तान लेना तो ले लो लाहौर, हम भी आपके साथ नितरते हैं, सबसे पहले मैं कुर्बानी देता हूँ, लो ये चढ़ता पंजाब उतरता पंजाब ले लो ना आप, मैं जाता हूँ, आओ मैं वादा करता हूँ चैनल पे, सबसे पहली कुर्बानी नहीं रखी जाएगी, हम चढ़ता पंजाब हमारे साथ, लेता पंजाब हम वापस लेंगे। जब कश्मीर के अंदर सिख भाइयों का कत्लेआम हुआ कहां थे जे? वहां इनसे कुछ नहीं होता क्योंकि उनके टुकड़ों पे पलते हैं या उनके आईएसआई के टुकड़ों पे बनते हैं, दाढ़ी लंबी पगड़ी ऊपर, वाह हमारे से बड़ा तो कोई सरदार ही नहीं, खालिस 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 पाकिस्तान के टुकड़ों पे बनने वाले खालिस, और आपके गुरु का अपमानित हो जाए, उसके स्टैचू के टुकड़े हो जाए, जबान बंद, ग्रंथी की बेटी को किडनैप हो जाए जबान बंद, मंदिरों का अपमान हो जाए जबान बंद, हमारी बाहू बेटियों को धर्म परिवर्तन किया जाए जबान बंद, काबुल कंधार के अंदर बार बार गोलियां चल जाएं जबान बंद, कश्मीर के अंदर सिख समाज के 30-35 लोगों को लाइन में खड़ा करके शहीद कर दिया जाए जबान बंद। जबान खुलती है इनकी हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान को इन्होंने धर्मशाला बना रखा है, सरकारों को ऐसे लोगों को एक्सपोज करना पड़ेगा जिनके अंदर गंदगी है और ऊपर से सुंदर है, इधर खालिस्तानियों से समर्थक और इधर सरकारों के समर्थक, और हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, हम सिखों के समर्थक, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, हैरान हो गया मैं तो, मैं ऐसी स्थिति नहीं देखी। आज मैं फिर कहूं मुझे नहीं खतरा खुतरा किसी से, मैं नहीं डरता किसी से, मुझे तो खतरा अंदर से शुरू हो गया, ये कब यहां से करेंगे कब वहां रिमोट, ये हकीकत है। मनजीत सिंह की मिसाल सामने है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट की मिसाल सामने है, उस पे हमला इधर से प्लानिंग बनी, अगर इधर से प्लानिंग करके हो सकता है तो उधर से, इधर से उधर कह के इधर भी किसी पे हो सकता है ना, ऐसे लोग तो एक्सपोज होने चाहिए, अगर ऐसे एक्सपोज नहीं होंगे तो भी दिल करेगा कि ये मेरे रास्ते में काटा है, या उनको खुश करने के लिए किसी को कह दे तो गया काम। ये छोटा सा सवाल नहीं है, तो आप अपने पहली इंटरव्यू दे रहा हूं, ये सच सवाल है, ये सवाल सच्चे है कि ये बिट्टा मौत के सौदागरों के खिलाफ बोलता है, ये बिट्टे पे पुल हमला करने वाले के खिलाफ बोलता है, वाह भाई वाह, हमारी जबान बंद कराकर तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें ऐसा एक्सपोज करके मरूंगा मैं कि दुनिया जहां तुम निकलोगे ना तुम्हें दुनिया थूकेगी, चंद लोग तुम्हें कह सकते हैं, दुनिया थूकेगी, किसी प्लेन में भी जड़ोगे ना तो दुनिया तुम्हें थूकेगी, तुम कातिल हो, तुम देश के दुश्मन हो, तुम गलतफहमी में मत रहना, समझने वाले समझ रहे, गलतफहमी में ऐसे एफिडेविट लिख के जाऊंगा ना, तेरी करतूतें लिख के जाऊंगा, तुम्हें याद करेगी दुनिया, पूछेगी सवाल, तुम लोगों को गलतफहमी। बेटा साहब ऐसे लोग तो जो है किसान आंदोलन में ज्यादातर लोग तो एक्सपोज हो चुके हैं। छोड़ दो यार, मैं कहां से चुप रहना हूं, मैं अपनी जमीर, मैंने मेरा बचपन से आतंकवाद के खिलाफ देश के लिए मेरी जंग थी, इस आजादी की रक्षा आज तक है और आखिरी बोनस की जिंदगी बब खा के आखिरी दम तक रहेगी भाई, क्या करोगे आप मेरा भाई, आप मेरी जबान को अगर AK-47 बम नहीं बंद कराए क्या आप मेरी जबान बंद करा दोगे, क्या आप मुझे सदा के लिए जबान बंद करा दो, पर मेरे जाने के बाद अपना खाता खोलने के लिए तैयार रखना, जीते जी तो मैं कुछ नहीं कहूंगा पर ऐसा को लिख के जाऊंगा, आप मैं फिर कहूं आपको लोग थूकेंगे, आप गलतफहमी में ना रहना, आप किसी नशे के अंदर घूम रहे हैं कि आपको कोई वाच नहीं कर रहा, जितना वाच मैं आपको करता हूं, लाखों सिख हजारों लाखों करोड़ों का कारोबार, आप जोधपुर से हैं ठीक है ना, वहां वहां एक ट्रांसपोर्ट देखी, खालसा ट्रांसपोर्ट देखी, बिल्कुल है, बहुत हजारों बच्चे, वो सरदार साहब उठ के क्या कहते हैं, उनके मालिक जब गुरु महाराज के चरणों में जाते सुबह उठ के क्या कहते, मेरी पीछे मुलाकात हुई, वो पता क्या कहते हैं, हे गुरु मेरे महाराज, जिस देश के लिए जिस मानवता के लिए आपने कुर्बानी दी इसको सुरक्षित रखना, और मुझे क्या कहते हैं, मैं हैरान हो गया एक दिन सुन के, उनका आशीर्वाद लेता रहता, मैं उनको पहली बार मिला, मुझे कहने लगा अगर राष्ट्रभक्ति की कसम किसी ने उठानी तो बिट्टा की उठा ले, नई बात सुनी उनके एक सरदार साहब के मन के अंदर, और जब कोरोना काल आया ऐसा लंगर लगाया लाखों करोड़ों का, घी आटा खत्म ही नहीं हुआ, वो भी तो सरदार हैं, वो भी जोधपुर के जर्नैल हैं, वो भी तो सरदार हैं, हिंदू लंगर खा गया, मुसलमान खा गया, ईसाई खा गया, गरीब खा गया, आओ भाई
तुम्हारे रास्ते खुले हैं, उन सरदारों की कोई कदर नहीं करता, बस असी सरदार हूं। सरदार कौन? खालसा बस वाले सरदार, सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा थे, सरदार अर्जन सिंह थे, एयर मार्शल इनको कहते थे सरदार, जो सरदार की पगड़ी को ऊंचा करके भारत का नाम ऊंचा करते थे। और ये लोगों को मार के कहते हैं असी सरदार होने हैं, और निहत्थे लोगों को मार के सरदार हो गए यार भाई। सरदार की शान क्या है? सरदार की शान है मानवता की रक्षा, मजलूमों की रक्षा, बेसहारा के लिए। हम कोरोना में लंगर लगा के भी शोर में जाते हैं, ओए हमने लंगर लगा दिए, हम ना लंगर लगाते लोग मर जाते। भाई यार जो लंगर लगाता है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वो कभी बताता नहीं, जो शोर मचाता है हमने देखो इतने लंगर लगा के लोगों को कर दिया, फिर मुंह लख लानत है इनके, इनके लख लानत है। आपने अपने पैसे से लगाए क्या? आपने, मैंने, हर व्यक्ति ने, दुनिया से, हिंदू ने, मुसलमान ने, सिख ने, ईसाई ने, वहां नमस्तक किया, गोलक में अपना अपना हिस्सा चढ़ाया महाराज के चरणों में, इतना लोगों ने अपना योगदान दिया, लंगर लग गया, अब तुम मामे लगते हो क्या? क्या हो तुम भाई? इन लोगों से सवाल पूछना चाहते, तूने अपने पैसे से लगाए? फिर ये सुनाना, मैंने टीवी में सुना कईयों से, देखो जी हमने लंगर लगा दिए, कौम ने ना लगाते पता नहीं। अरे भाई यार तू कैसी बातें करते, पूरा हिंदुस्तान घूमता हूं, बड़े बड़े आश्रमों में मैं जाता हूं, बड़े आश्रमों में जाता हूं, 10-10 हजार एक टाइम का व्यक्ति लंगर खाता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी फ्री चलते हैं बच्चों के लिए, 10-10 हजार रोज बच्चा खाना खाता है वहां पे, और कभी भूलता नहीं है। अभी जिस तरह का माहौल पंजाब में बन, जिस तरह का माहौल पंजाब में बन रहा है, ये शायद जो 26 जनवरी की घटना हुई थी लाल किले पे, उस टाइम अगर कोई सख्त कार्रवाई, सख्त एक्शन ले लिया होता तो शायद ये नहीं करते ऐसा। नरेंद्र मोदी जी सिख कौम की जगह पे कोई और होता ना, वो बच के नहीं जा सकता। जिसने चाइना के छक्के छोड़ा दिए, जिसने अमेरिका जैसे देश को बता दिया, रशिया को बता दिया, आप हमारे दोस्त हो सकते हो, हमारे दोस्त हो सकते हो, पर देश के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे, हम अपनी मर्जी से चलेंगे। चाइना जैसा देश जिससे दुनिया कांपती है, आज नरेंद्र मोदी उसके बॉर्डर पे खड़ा हो जाता है, वो नरेंद्र मोदी, वो इनसे घबराएगा? चंद खालिस्तानियों से घबराएगा क्या? मेरा सवाल है आपसे, फिर कहूं, उसने सिख कौम, सिख गुरु, गुरु महाराज की कौम के आगे फिर सिर झुकाया है, तिरंगे झंडे का अपमान सह करके भी, इसको कहते सिख कौम की इज्जत। हम फिर कहते हैं नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया, नरेंद्र मोदी ने वो कर दिया। किसान आंदोलन था, चलो था, पूरे हिंदुस्तान में किसान आंदोलन कहां था बताइए मुझे? ये पंजाब में ही था क्या? क्या पंजाब के लोगों के साथ ज्यादती हुई क्या? तो फिर उसमें गंदे नारे क्यों लगे क्या? मेरा सवाल है क्यों नारे लगे जी? हम लोगों को पंजाब में आदत पड़ गई, दूसरे दिन कृपाने निकाल लो, आज खालिस्तान बनाएंगे, कल फलाना आंदोलन शुरू करेंगे, एक समस्या खत्म नहीं होगी, तीसरी समस्या खड़ी कर देते। मैं तो बचपन से लेके आज तक इनकी समस्याओं को देखता रहा, करते करते लाहौर, जम्मू कश्मीर जो भी था हिंदुस्तान का, बड़े बड़े दिल्ली तक राज था, हम इतने से रह गए। आज हरियाणा हमारा छोटा भाई था जनाब, आज चले जाओ हरियाणा, निकल जाओ उनके सर्किट हाउस देखो, उनके सरकारी दफ्तर देखो, उनका आप गुड़गांव में देखो, दुनिया से आके लोग कारोबार करते। पंजाब का को बताओ, डिस्ट्रिक्ट बताओ, कहां ऐसे कारोबार छोटे से पंजाब के साथ खेलने में लग गए, तमाश भी नहीं करने लग गए, कुर्सी सता की तमाश भी नहीं, धर्म के ठेकेदारों की तमाश भी नहीं, चौधर की भू, कुर्सी सता की, धर्म की, बस ये है और कुछ नहीं रह गया। मुफ्त में लीडर बनो, काम धंधा कोई नहीं, लड़के विदेशों में चले गए, माओ के लाल विदेशों में चले गए, बच्चे नशेड़ी ना बन जाए, और बच्चे खुचे ये बंदूकें पकड़ाना चाहते हैं, ये AK-47 पकड़ाना चाहते हैं, और बच्चे खुचे नशेड़ी बन गए। ये सिख धर्म का प्रचार किया इन्होंने खालिस्तानियों ने, ये अमृतपाल ने आया कहां से? ये प्रचार है। आज चले जाओ मध्य प्रदेश, आज चले जाओ तमिलनाडु, आज चले जाओ कर्नाटका, आज चले जाओ पूरे देश के अंदर, केरला में, पूरे देश में जाओ आप, लोग अपने आप कारोबार में मत रहते हैं, अपने अपने देश का काम करते हैं, अपने मेहनत करते हैं, पर वहां संघर्ष होते, पर ऐसे पंगे नहीं होते कि रोज कृपाने निकाल लो, हम खालिस्तान बनाएंगे, हम फलाने अपने स्टेट को अलग कर देंगे। ये पंजाब में ही पंगा है,
रोज इनको कोई ना कोई नया मुद्दा, और बिल्कुल जिन लोगों की कोई बहादुरी वो लीडर बनते जा रहे हैं, कोई काम नहीं। एक फौजी एक पुलिस वाला होता है बेचारा, मेहनत मजूरी करके लेफ्ट राइट करके कितनी मेहनत करके पुलिस की वर्दी पहनता है, फौज की वर्दी पहनता है, सेवाओं की रक्षा करता है। हमारी ट्रेनिंग क्या बताओ, क्या ट्रेनिंग है हमारी? बड़े पोस्टर लगाओ, रुमाल निकालो, सुंदर बनो, हाथ ऐसे कर लो, क्रांतिकारी बन जाओ, लीडर बन गए, और फिर इलेक्शन लड़ो, टिकट मिल गया इलेक्शन बढ़ो, एमएलए बन जाओ, मंत्री बन जाओ, हो गया काम। एक पुलिस का जवान, एक फौज का जवान 20 जगह से उसकी वेरिफिकेशन होती है, सीआईडी, इंटेलिजेंस, लोकल एजेंसियां, स्टेट डिस्ट्रिक्ट पुलिस, भी ये आदमी चाल चलन ठीक है, फिर वो पुलिस फौज में भर्ती होता है। और हम सोते हैं वो हमारे लिए जागता है सीमाओं में, माँ बाप को छोड़ के चले जाता है सीमाओं की रक्षा के लिए, उसकी तो ये हालत। और हमारी हालत, फटाफट लीडर बनो, कब्जे करो जमीनों पे, नेता बन जाओ, पैसा खूब कमा लो, धन खूब बना लो, हर पार्टी के लोगों को बेवकूफ बनाओ। वाह, तू बता देश के लिए क्या किया तुमने, बताओ तुम क्या किया अपने देश के लिए? और ऊपर से प्लानिंग करो, फलाने को मार दो, फलाने को मार दो, ऐसा कर दो, वाह। अरे नरेंद्र मोदी जी ने किया ना काम, जाओ प्रचार करो, ये मोदी जी ने किया। मैं बोलता हूं ना, मैं उनको मिलता तो नहीं, मैं बीजेपी में तो नहीं हूं, मैं उनके काम का समर्थक हूं, मेरे बचपन के सपने पूरे हुए हैं, मैं सुबह से शाम तक प्रचार करता हूं, यूनिवर्सिटी कॉलेज बताता हूं, आओ मेरे से बहस करो। ये कर्म क्यों नहीं करते आप?